I'm gonna make you mine.
Lady of the 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 Lady
उसी के गीत में हम ऑफरिंग को लेंगे और उसके बाद ब्रदर भाग मारे तैयार है जी।
बाबा तू है महान, बनाया है तूने जहां, खुदा तू है महान, बनाया है तूने जहां, तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। Oh,
Thank you, Jesus. हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर का ये चुनाव हालेलुया हमारे लिए कितना काफी है जब सांसे चलने लग जाए जब सांसे चलने लग जाए आधी आके देखने लग जाए आधी आके देखने लग जाए तेरे हाथ उठाने से आसमान जिंदगी बदल देता है Thank you.
Yeah.
Thank you.
जीवित होंगे, तुझसे चाहेंगे, तुझसे स्वीकार करेंगे। आज भी वो कहता है तुम करना मत, मैं तुम्हें जय दूंगा। तुम्हारे जीवन में बीमारी है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो शांति देने वाला, मुक्ति देने वाला, वो आनंद देने वाला, चंगा करने वाला पिता है। वो आज भी कहता है मैं तुम्हारी जीवन का रक्षा करूंगा। हम इसका धन्यवाद नहीं करना है, और जो मैं इसका धन्यवाद करेगा हम उससे प्रसन्न होगा। Hallelujah, 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 hallelujah
सच्चा निकलना चाहिए जो केवल सोचने में नहीं है, बोलने में नहीं है, जो उसका जीवन खराई से बता रहा है कि वो प्रभु के लिए पवित्र स्थान है, प्रभु के लिए एक सेंचुरी है, प्रभु के लिए परखा हुआ व्यक्ति है। कोई तो है जो आज की शाम अपने आप को उस स्थान में लाना चाहिए। हालेलुया लॉर्ड गॉड, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं।
खुदावन इस आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावन तू हमें अभिषेक कर, तू हमें भर दे परमेश्वर। खुदावन तू अपना जलवा दिखा परमेश्वर, तू अपने लोगों के मध्य में खा देकर प्रभु जी। हम सारे स्पेशल के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे गीतों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे आराधना करने वाले के लिए, आराधना के लिए, सारे लोगों के लिए तेरे आभारी है, क्योंकि वही है जिनके लिए तूने ये बातें किया है। तो इसीलिए मरा, इसीलिए लोग बहाया, कोई तो तेरा धन्यवाद करे, कोई तो तेरी आराधना करे, कोई तो तुझे कहे यू आर माई सेवियर, यू आर माई रिडीमर, यू आर माई हीलर लॉर्ड। खुदावन परमेश्वर इसीलिए तू पृथ्वी पर आया, और आज एक झुंड यहाँ है जो तुझे कहता है तू मेरा प्रभु है, तू मेरा परमेश्वर है। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं, इस घर के लिए धन्यवाद देते हैं, जगह के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावन हर वायदे के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं जो भी ऑफरिंग दाई तेरे भवन में आया है, देने वाले हाथों को ब्लेस कर लॉर्ड। खुदावन तू प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है, जो भी हम वचन पढ़ेंगे तो अभिषेक दे लॉर्ड, जो भी नेट पे सुनेंगे उन्हें भी अनुग्रह दे। हमें इतना मालूम है कि हर एक की जरूरत देने वाला तू है, हर एक को उनकी जरूरत के अनुसार पुराने वाला तू है। जहां पर भी बैठे, जैसे भी बैठे है, उनकी जरूरत तू जानता है, उनकी प्यास तू जानता है। तू हर एक को तृप्त करने वाला प्रभु है। खुदावन तू हर एक को आशीष दे, हमें भी तेरे लहू के नीचे रख, पवित्र आत्मा की इच्छा हमसे बातें करे। हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना को मांगते यीशु के नाम से स्वीकार करो। क्या कली से आमीन कहेगी? जब हम खड़े हैं वचन से पढ़ेंगे आमीन। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 11 से 16 पद तक। उसने कुछ को प्रेरक नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डिलडोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य के ठग विज्ञ और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरना प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारे देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। कोई तो है जो उन्नति करेगा, कोई तो है जिससे न भटकने के लिए प्रभु ने सेवा रखी है, कोई तो है जिसे वो स्थिर करना चाहता है। पढ़ेंगे योना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय 1 से 5 पद। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए और हम है भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। क्या विश्वास करती हो? सही में विश्वास करती हो? उसके स्वभाव में पाप नहीं, इसलिए फिलिप्पी 2:5 पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब वही स्वभाव तुम्हें होना चाहिए जिस स्वभाव में पाप नहीं है, कोई अविश्वास नहीं है। योएल 2:27-29। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। सब पे अपना आत्मा उंडेलूंगा। सब लोग बैठ सकते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
अपनी जगह को ले लेंगे, जिससे भी हमें मौका मिला है अपने स्थान को ले लेंगे। क्या हम आज की शाम आनंदित है, कितने प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। कितने लोग अपने के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, भाई मार्चर के लिए, भाई जोसेफ के लिए, भाई डैनियल के लिए। क्या वो वचन आपको बड़ा कर रहा है, क्या वचन आपको तैयार कर रहा है, क्या वो जीवित आवाज आज भी बातें कर रही है, क्या वो जाहिर होने वाली आवाज बात कर रही है। कितने उस आवाज के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। क्या वो दाखलता में डाली बढ़नी चाहिए, क्या वो फलों को लानी चाहिए, क्या वो घटे और हम वो बढ़ता जो हम घटते जाए, क्या उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए, क्या पवित्र आत्मा दिया गया तो कुछ तो होना चाहिए। केवल आनंद नहीं, केवल खुशियां नहीं, जीवन भी होना चाहिए। केवल चर्च में आना, खुशियां मनाना नहीं, लेकिन कुछ तो तकलीफ के बाद भी प्रभु के लिए जिया जाना होना चाहिए, कोई तो खड़ा रहना चाहिए। हम सारे वचनों के लिए प्रभु के आभारी है। आमीन, 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 हालेलुया। बहुत जैसी कहावत है, बच्चा हमेशा कुछ करता है तो बाप कहते रहते हैं, तू जो मिलता है ना, तुझे जो खाता है ना, तुझे नहीं समझता है। क्यों? वो नहीं समझता उसे क्या मिल रहा है। और हर बाप अपने बच्चे से यही कहता है, तुझे जो मिल रहे हो तू नहीं समझ रहा है। क्यों? वो जानता है कि वो जो दे रहा है वो कहां से आ रहा है। इसलिए बहुत बार हम भी कहते हैं कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम्हें नहीं समझ रहा है, एक दिन तुम्हें जरूर समझेगा। और ईश्वर का एक दिन तुम जरूर जानोगे, और तुम नम्र रहोगे, वफादार रहोगे, तो तुम जानोगे जो तुमने पाया हुआ है वो कहां से आया है और तुम्हें कहां लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो चीज है जो आपको बनाती है, और आने वाले दिनों में वो बताएगा, साबित करेगा कि आपने क्या खाया हुआ है, आपको क्या मिला हुआ है। क्योंकि जब हालात आएगी तो तुम्हारा नॉलेज सामना नहीं करेगा, तुम बाइबल खोलना सामना नहीं करेगा, तुम्हारा जीवन सामना करेगा। इतना रगड़ रहेगा, इतना फेथफुल रहेगा। आमीन, 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 आमीन। कोई तो सोचेगा मुझे किसी की आवाज नहीं, उसी की आवाज चाहिए, मुझे वही आवाज चाहिए जो मुझे बल देगी, सामर्थ देगी। दाऊद की नहीं, कोई तो याद करेगा, जब मैं यरूशलेम में रहता था, मैं भवन में रहता था, उसका गीत मुझे पावर देता था। जंगल में नहीं मिल रहा है, मैं खुद गा रहा हूं, फिर भी मुझे डर और भय सता रहा है। जब यरूशलेम में गीत गाता था, मेरे प्राण में आग लगती थी। तो कोई तो कहेगा मुझे साधारण बातें नहीं चाहिए, जैसा मैं वहां अनुभव करता था, वहां अनुभव करता था, यहां पर भी मुझे अनुभव चाहिए। उसका उद्देश्य है पवित्र आत्मा देने के पीछे। और कुछ बातें सीक्रेट है जो प्रचार कर रहे हैं, आपको समझे न समझे आपको ग्रहण करनी है, पवित्र आत्मा सही समय में रिवील करेगा। हर प्रचारक सोचता है कि मैंने जो बोला लोगों को मालूम पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रैनम जो प्रीच किया 35 साल से भी लोग नहीं समझ पा रहे। हो सकता है कभी भी कुछ बोलने वाला आदमी भी खुद नहीं समझता हो क्या बोल रहा है, क्योंकि बोलने वाला पवित्र आत्मा है, इस समय सारी बातों को खोल देता है। ऐसा भी कभी सोचा नहीं रहेगा, अगर सोचता तो बोलता ही नहीं। बिना मर्द का बच्चा होगा तो मैं बोलू ही क्यों, मेरा प्रभु से पूछता हूं कैसा होगा। लेकिन अगर प्रभु से कहता पवित्र आत्मा आएगा तो बच्चा होगा, तो ऐसा समझ भी नहीं पाता वो, केमिस्ट्री उसको मालूम ही नहीं पड़ती। लेकिन मरियम को मालूम पड़ गई, क्योंकि मरियम के समय में वो बातें खुल गई थी। मुझे आपसे क्या कहना, अपने समय में सारी बातें होती है। इसलिए आपको विश्वास करना, आनंद मनाना है कि जो बात प्रभु मुझे दे रहा है वही मुझे खड़ा करेगा, क्योंकि प्रकाशन देने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा, क्या मेरे साथ रहोगे? प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आज के दिन की शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। आमीन। अब ऐसे कि मिनिस्टर ऑफ क्राइस्ट हिमसेल्फ, अब मसीह की सेवकाई खुद की इंपर्सोनेटेड अमंग हिज रियल ब्राइड, जो उसकी अपनी सच्ची दुल्हन के अंदर, खरी दुल्हन के अंदर वेशभूषा धारण कर रही है। इंपर्सोनेट का आप अगर मीनिंग देखोगे तो किसी का पात्र निभाना, किसी के जगह पर काम करना, किसी की जगह को बेखूबी अपने जीवन में जाहिर करना। लेकिन हम उतने योग्य नहीं है कि हम मसीह का पात्र निभाए, लेकिन मसीह खुद योग्य है जो हमारे अंदर अपना पात्र निभाए। लेकिन पात्र निभाने वाला व्यक्ति मैं हूं, लेकिन जीवन मेरा नहीं है। मंच में खड़ा मैं हूं, लेकिन बोलने वाला मैं नहीं है। क्या आपके समझ में आ रहा है? उसको इंपर्सोनेट कहा जाता है। वो आ जाता है, वो खड़ा रहता है, क्योंकि वो कोई मनुष्य में भरोसा नहीं रखता, कोई मांस में भरोसा नहीं रखता, वो अपने आप पे भरोसा रखता है। और यही उसकी सेवकाई है, वो खुद आता है।
कहा भाई ब्रैनम ने की, ब्रैनम के द्वारा हुई। हालेलुया। ब्रैनम ने कभी नहीं कहा मैंने ये किया मैंने वो किया, ये करने वाला वो था ही नहीं, करने वाला खुद यीशु था। मनुष्य के पुत्र की सेवकाई उसके अंदर आ गई। और आज हमें इस बात को जानना है कि मसीह की सेवकाई जो खुद की सेवकाई है वो अपने सच्ची दुल्हन में वो जाहिर करता है, वो उस वेशभूषा को धारण करता है, वो उसके अंदर आकर रहता है। इसलिए मैंने लाइस्टर ने कहा, बहुत लोग यहां तक आके फूकने लगे मैं ये किया मैं ये किया, लेकिन नबी ने जब कोर्ट को बोल दिया नो वन कैन लिव क्राइस्ट लाइफ, सबका फूका फूट गया, लेकिन जो नम्र था उसका फूटा नहीं, क्योंकि उसे मालूम था ये मैं नहीं जिया, मसीह मुझने जिया, मैं तो भाग रहा था लेकिन वो खड़ा किया, मेरे विचार आए थे चला जाओ लेकिन उसके विचार आ गए, क्योंकि उसका कैरेक्टर वही जिएगा। कोशिश करने वाले जैसे बनेंगे लेकिन वो नहीं बनेंगे, मैं उसके जैसा बन सकता लेकिन वो नहीं बन सकता, क्योंकि जो वो होता है ना उसमें और भी कुछ होता है। डैनियल आपके समझ में आ गया, मैं इनोक जैसा बनूंगा, मैं डैनियल जैसा बनूंगा, पॉल जैसा बनूंगा, तो जितना वो देखा है वो बनूंगा, लेकिन और भी जो पॉल में और डैनियल में है वो मुझे मालूम नहीं है। यीशु मसीह केवल परमेश्वर ही नहीं था। हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया। वो मनुष्य भी था, मनुष्य की बुद्धि उतनी ही जाती है जितनी हमारी आपकी जाती है, लेकिन परमेश्वर अलग चीज है। मैं कुछ ब्रिज करूंगा जो आपको अनुग्रह से प्रभु खोल दे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा मुझे और आपको उस जगह पर लाए जहां पर हमें होना चाहिए। और इसलिए मेरा विषय when Jehovah cares his people like him, जब यहोवा अपने लोगों को अपने समान देखता है, then he lives in his people, फिर वो आकर उनमें जीता है। तुम में जीने के लिए उसको तुम उसके जैसे दिखने चाहिए। इसलिए मैंने वचन करा, प्रिय हम नहीं जानते हम क्या कुछ होंगे, लेकिन जब वो प्रकट होगा, क्या एलोही प्रकट हुआ, ग्लोरी टू गॉड, क्या पवित्र आत्मा रिवील हो गया, क्या चेलों ने वैसा ही पा लिया, क्या इस अंत के समय में मसीह प्रकट हुआ है, तो कोई तो दुल्हन उसके समान उसके जैसे, फिर उन्हीं में रहने के लिए आएगा जो अपने आप को पवित्र रखेगी, जिनके स्वभाव में पाप नहीं रहेगा, झूठ बोलना नहीं रहेगा, अविश्वास करना नहीं रहेगा, शैतान का हालेलुया सामना करना रहेगा। तुम्हारे जीवन में गलती रहेगी, हालातें रहेगी, पहुंची रहेगी, लेकिन अविश्वास का स्वभाव नहीं रहेगा, वचन को डिनाई करने का स्वभाव नहीं रहेगा। हालेलुया, क्योंकि वो स्वभाव जो मसीह का था वही यहोवा ने हमें दिया है, और वही जब यहोवा मुझ में और आप में देखेगा तब वो हम में रहने को आएगा। हालेलुया, आमेन। मेरे ताली मारने से वो नहीं आएगा, अब्राहम के खाना खिलाने से अंदर नहीं आएगा, आमेन बोलना, पैर धोया करके भी नहीं आएगा, लेकिन जब वचन पे खड़ा रह गया, आई बिलीव, हालेलुया, हालेलुया, कि मुझे बेटा हो जाएगा। कर रहे थे दोनों एक समान थे, क्योंकि अब्राहम बदला हुआ था। जब वो सदोम के बारे में बातें कर रहे थे तो अब्राहम बदला हुआ था, उस रात कुछ तो हो गया था। सुन लेना, मेरा प्रेरणा है होली स्पिरिट रिटर्निंग इन दिस लास्ट डेज विद द फुलनेस अगेन ऑफ गॉड्स पावर। पवित्र आत्मा वापिस अंत के दिनों में लौट कर आ रहा है, परमेश्वर के पूरे सामर्थ्य के साथ वापिस आ रहा है। हालेलुया, मैं तुम्हारे पुरनियों को भी आत्मा दूंगा, मैं तुम्हारे सेवकों को भी आत्मा दूंगा, मैं तुम्हारे दासों को भी, मैं तुम्हारे दासियों को भी, मैं सबको आत्मा, लेकिन जिएगा वही जो मेरे विचार पाता है, ताकि तुम जाने कि आत्मा पाने से कुछ नहीं होता है, आत्मा का आज्ञा पालन करने से। क्योंकि अगर हमारे विचार है तो आत्मा उड़ के चला जाएगा, लेकिन अगर हम समर्पित लोग हैं तो आत्मा हम पे कब्जा करेगा।
हमारे बीच में बस्ती करेगा, फिर यहोवा वहां आएगा। हालेलुया। यहोवा कौन है जो अपने परिवार के साथ बैठता है, अपने बच्चों के साथ रहता है। हालेलुया। नबी कहते हैं यहोवा का मीनिंग क्या है, द वन हु लिव्स विद हिज फैमिली। वो अपने परिवार को छोड़ता नहीं है, वो अपने चुने हुए को छोड़ता नहीं है, वो उन्हें अलग रहने नहीं देता है, वो उनके लिए जो चाहे वो करता है। लेकिन जब वो तुम में देखता है, हालेलुया, मेरी सेवकाई तुम्हारे अंदर इस सारे वरदानों को डालेगी और तुम्हें ऐसी जगह जाएगी जहां तुम हिल नहीं पाओगे, कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा, लेकिन हड्डी हड्डी को जुड़ी जाएगी, मांस मांस को जोड़ा जाएगा, गुदे गुदे गाड़ गाड़ को जोड़ा जाएगा और एक देह बनाया जाएगा जिसमें यहोवा की बस्ती होगी, यहोवा का रहना होगा। क्या आप ऐसे विश्वास के अंदर बने हो? क्या ऐसा बॉडी बन रहा है? मैं नहीं बना रहा, आप नहीं बना रहे, वो बना रहा है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। मैं कुछ पढ़ूंगा, क्या मेरे साथ रहोगे? द वर्ल्ड इज अगेन फॉलिंग अपार्ट, दुनिया फिर एक बार गिर रही है दोनों तरफ। ब्रैनम कहते हैं शीश पृथ्वी में द चर्च इज रेडी, कलीसिया तैयार है, शी सीडिंग रेडी टू कम, और मोहर बंद है और तैयार है आने के लिए। देयर विल बी अ ग्रेट बिग आउटपुरिंग ऑफ द स्पिरिट, वहां पर पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा उंडेल जाना होगा। यस सर, टू ग्रैब दैट चर्च एंड टेक हर इनटू द स्काइज। भी कलीसिया को पकड़ने के लिए, उठाकर लेके जाने के लिए साधारण आत्मा नहीं चाहिए, एक ऐसा आउटपुरिंग चाहिए जहां पर एनॉइंटिंग देता रहेगा। Glory to God, hallelujah! जहां पर लोगों में रिजोइसिंग होता रहेगा, जहां पर कोई ठंडा बन नहीं रहेगा, अग्नि बढ़ता ही जाएगा, पावर बढ़ता ही जाएगा, जीवन बढ़ता ही जाएगा। तुम्हारे अंदर कोई शैतान के लिए जगह नहीं रहेगी, दुनिया के लिए जगह नहीं रहेगी, तुम डे बाय डे हालेलुया पावर से पावर में, पावर से पावर में, लाइफ से लाइफ में, लाइफ से लाइफ में, एवरी डे तुम्हारा मार्गक्रमण होगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा उन्हें लेगा। Glory to God. भाई और बहनों, पर ब्रैनम कहता है वहां पर वो होना जरूरी है। यस सर, ताकि कलीसिया को ग्रैब कर सके और उसे स्काई में लेकर जा सके। बिकॉज सी द चर्च एंड द वर्ड एंड द ब्राइड, कलीसिया वचन और दुल्हन क्राइस्ट, हिज मिनिस्ट्री इज इन हिज ब्राइड, और उसकी सेवा उसके दुल्हन के अंदर, विच इज हिज बॉडी, जो उसका देह है, द सेलेस्टियल बॉडी, जो हालेलुया आसमानी बॉडी है, जो शारीरिक बॉडी है, जो सेलेस्टियल बॉडी है, हालेलुया, जो स्वर्गीय देह है। ध्यान से सुन लेना, और आई मीन टू से, मैं बता रहा हूं, सुपरनैचुरल बॉडी, अलौकिक देह। इजराइल का बॉडी देखकर बोलना नहीं कि ये क्या आगे जाके प्रचार करेगा, और एक बॉडी है, वो आने के बाद कुछ और ही हो जाता है। बूढ़ा एलाइजा भी रथ के आगे दौड़ता है, फिलिपियस ट्रांसफॉर्म होता है, दैट्स द सुपरनैचुरल बॉडी। फिलिप दौड़ के नहीं पहुंच सकता, लेकिन ट्रांसफॉर्म हो गया। ग्लोरी टू गॉड। एलाइजा 90 साल का दौड़ नहीं सकता, लेकिन रथ के आगे दौड़ गया। That's a supernatural body, brother. Like Jehovah. कोई नहीं कहेगा मैं बूढ़ा हूं, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, तू तो था और रहेगा, मैं तुझे लेके जाऊंगा, मैं जिससे चाहूंगा उससे सेवा करूंगा। पीटर तू बोलेगा मैं बूढ़ा हूं, मुझे कोई और लेके जा रहे, नहीं तू नहीं, मैं लेके जाऊंगा। ध्यान से सुनेगा, कलीसिया वचन और दुल्हन, मसीह उसकी सेवकाई उसके दुल्हन में, जो उसकी देह है, कौन सी देह है? मिस्टिक बॉडी, हालेलुया, होली स्पिरिट फिल्ड बॉडी। वी आर बैप्टाइज्ड विद द वन स्पिरिट, वी आर द पार्ट ऑफ दैट सेम बॉडी। सुन लेना, जिस बॉडी में कोई अंग कमजोर नहीं रहेगा, यहां से आता है तो बॉडी में दौड़ता है, ये अंग उस अंग को पावर देता है, वो अंग उस अंग को पावर देता है, और पावर इतना पावरफुल रहता है कि वीकनेस को ठार देता है, किसी का बीमारी रोक नहीं पाता है, किसी का डाउट रोक नहीं पाता है, किसी का सिचुएशन दबा नहीं पाता है, क्योंकि पावर ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पीटर में से निकल कर लंगड़े में चला गया, पैरों में बल आ गया, उस
उसके घुटनों में बल नहीं था, ये पीटर के हाथों में क्विकनिंग पावर। That's the people Jehovah looking for. Hallelujah. Amen, brother. Brother Branham कहता है, मैं क्या कहना चाहता हूँ? Celestial body, स्वर्गीय देह, the supernatural body of He's here on the spiritual body on earth. Hallelujah. समझाइए किसी को। वापिस स्पष्ट करके पढ़ता हूँ। कुछ पॉइंट से जो पढ़ना जरूरी है। नबी कहता है, मसीह मसीह की सेवकाई उसकी दुल्हन में, उसकी देह में जो उसका सेलेस्टियल स्वर्गीय देह है। मैं ये देह की बात नहीं कर रहा हूँ। और आई मीन टू से द सुपरनैचुरल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसकी अलौकिक देह है जो हालेलुया हियर ऑन द स्पिरिचुअल बॉडी ऑन अर्थ, जो इस जगह पर आत्मिक देह में है। हिज स्पिरिट इज हियर इन देयर लिविंग हिज लाइफ राइट आउट, और उसका आत्मा यहां पर तुम्हारे अंदर उसका जीवन जी रहा है। Amen. तुम नहीं जी रहे, तुम्हारा थियोफनी जी रहा है। तुम हमें नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर का आत्मा बोल रहा है। तुम्हें देखकर शैतान हंसता है, ये कैसी रहेगा? लेकिन तुम्हारा बॉडी शैतान को देख के हंसता है, ये क्या रोकेगा? ये महायुद्ध है ब्रदर, जहां को अपने बच्चों में भरोसा है। शैतान मुझे हंस रहा है, लेकिन मेरा स्पिरिचुअल बॉडी दूसरे शब्दों में बच्चों को मेरे पास आने से रोको मत, क्योंकि मेरा चेहरा तुम छुपा सकते हो, लेकिन उनके दूत पिता का चेहरा देख रहे हैं। क्या आपके समझ में आ रहा है? जिसका प्रतिनिधित्व वहां है उसे कोई रोक नहीं पाएगा। यहां कोई मेरा नाम ले या ना ले, वहां कोई तो है जो आपके नाम के ऊपर भरोसा रखता है। ये जिएगा, ये खड़ा रहेगा। Glory to God. क्या मेरे साथ में रहोगे? मसीह की सेवकाई उसकी देह में, उसका देह जो दुल्हन है, और वो दुल्हन कौन है? वो सेलेस्टियल बॉडी है, आत्मिक देह है, जो स्वर्गीय, मैं ये बात नहीं किया, स्वर्गीय देह, सुपरनैचुरल बॉडी है। ये उस सुपरनैचुरल बॉडी कहां पर है? यहां पर, वहां पर नहीं है, स्पिरिचुअल बॉडी में है। और स्पिरिचुअल बॉडी में क्या है? नबी तो उसका आत्मा है जो उसका जीवन जी रहा है। अंटिल ही मैन द चर्च बिकम्स वन इन द वेडिंग, दोनों देह एक साथ शादी में एक नहीं होते। आपकी समझ में आ रहा है? Amen, amen. कि कोई तो है जो आपको एक रखना चाहता है, कोई तो है जो एकता में रहना चाहता है। आदम को मालूम है, जब तक हवा मुझ में है कोई शैतान हरा नहीं पाएगा। आज भी बाइबल लिखा गया आदम नहीं भरमाया गया, आज भी बाइबल में लिखा है कि आदम भरमाया नहीं जाएगा। क्या चैलेंज है ब्रदर? आदम भरमाए जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आदम में यहोवा का गुण है। जिस स्पिरिचुअल बॉडी में सेलेस्टियल बॉडी रहती है, उसकी आत्मा उसका जीवन जीती है। इसलिए बाइबल कहता है, तुम नहीं जी रहे, मसीह जी रहा है। हालेलुया। क्या मेरे साथ में हो? किन मेरे साथ में है? आमीन, आमीन। एक एक पॉइंट को लेना। ही टेक्स देम इन माइनॉरिटी लास्ट डेज, अंत के दिनों में यीशु मसीह क्या कर रहा है? अपने दुल्हन को ले रहा है। लूथर, वेस्ली, सो मच प्रेस्बिटेरियन, पेंटेकोस्ट, सबको लेकर आगे आया। अब वो क्या कर रहा है? वो अपना रिफ्लेक्शन बना रहा है, क्योंकि यहोवा तभी हमें रहने आएगा जब वो रिफ्लेक्शन देखेगा। वो अपने परिवार के साथ तभी रहेगा जब वो अपना रिफ्लेक्शन देखेगा। हालेलुया। वो हम बुलाने से नहीं आता है, हमें कहना, वो प्रार्थना करने से भी नहीं आता है, लेकिन जब वो अपने आप को देखता है तब वो जरूर आ जाता है। दूसरे शब्दों में वो अभी भी ऑनेस्ट हार्ट को ढूंढ रहा है, वो अभी भी अपने रिफ्लेक्शन को ढूंढ रहा है, कहीं ना कहीं मेरे जैसा कोई होना चाहिए। सुन लेना, हालेलुया। जस्ट लाइक पिरामिड मैसेज, ही इज हीपिंग राइट अप, माइनॉरिटी में आ रहा है, हेडस्टोन के साथ में। एंड नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन अर्थ हैज टू बी द सेम एज द मिनिस्ट्री हैड, और ही कांट कम टू इट। और वो सेवकाई जो यीशु मसीह में थी, वही सेवकाई अब यहां पर होनी चाहिए, नहीं तो वो आ नहीं सकता है। उसे आने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उसे आने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत प्रार्थना तो बहुत चर्चेस कर रहे हैं, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, लेकिन उसे आने के लिए कोई तो होना चाहिए। Amen.
तू उसकी सेवकाई को अनुभव करेगा। सेवकाई उसकी मेरी नहीं, मुर्दों को जिलाना सेवकाई नहीं है, वो काम है, लेकिन निष्पष्टता से दैवी प्रेम से करना ये सेवकाई है। मैंने कुछ बोला किसी को समझ में आया? मुर्दों को जिलाना काम है, सेवकाई नहीं है, लेकिन सच्चे विधेय से सच्चे प्रेम से करना ये वो सेवकाई है। मसीह ने जो भी किया दिल से किया, मसीह ने जो भी किया प्रेम से किया, मसीह ने जो भी किया आपके बदल से किया, कभी कुड़कुड़ा के नहीं किया, दबाव से नहीं किया। कारण के तो मैं भी करता हूं, आप भी करता, प्रयाणम भी किया, इन दबाव से क्या फायदा, डर से क्या फायदा? काम करने से हम बड़े नहीं बनेंगे, उसकी सेवा उसकी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, वही प्रेम जिससे उसने प्रेम किया। कल मैं भी भाई को खाना खिलाऊंगा कि क्या फायदा, वो प्रेम मुझ में नहीं है, मैं जल भी जलाने दे दूंगा, क्या फायदा, प्रेम नहीं है। That not the works but the ministry. हम कामों को देख के तालियां नहीं मानते, हम उस सेवकाई को देखते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो अपनी सेवकाई करेगा, उसकी सेवकाई दिखेगी तभी वो आएगा, और वो दिखने के समय में यहोवा भी वहां रहेगा। समझा इनोक? हालेलुया, हवा आदम के बगैर रही करके गिर गई, लेकिन ये हवा को आदम अकेला छोड़ेगा ही नहीं, कोई बाप अपने बच्चे को अकेला छोड़ेगा ही नहीं। अगर यहोवा यीशु के संग संग रहा, क्योंकि यीशु यहोवा का बेटा था जिसने मुझे भेजा, मैं मरा तो उसने मुझे, मैं कमजोर हुआ तो मुझे, प्रभु आपको समझ ले। तो मास्टर इस मैसेज में मतलब लर्नर कहता है, ही इज एबल टू अचीव टू हिमसेल्फ अ ब्राइड, वो अपने आप के लिए दुल्हन लेने के लिए योग्य है। ही इज गोइंग टू, वो करने जा रहा है इन द लास्ट डेज, वो अपने आप को दुल्हन लेने में सामर्थ्य है। एबल टू गेट द ब्राइड दैट विद द मिनिस्ट्री दैट सो एग्जैक्टली, वो सेवकाई इतनी समानता में रहेगी, ग्लोरी टू गॉड, कोई उसको जोड़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, ये जो करेगा वही जानेगा। Man and right becomes one, आपके और एक होता है। And when Jehovah gets his people like him, जब यहोवा अपने लोगों को अपने समान देखता है, then he lives in his people, फिर वो अपने लोगों में रहता है। इसलिए 20 लाख लोग मेरे हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, लेकिन मोजेस अलग है, मैं उसमें हूं और वो मुझ में है। 20 लाख को इज़राइली है, लेकिन वो अलग है, मैं उनके बीच में आता हूं, उनमें नहीं हूं। डर गए क्या? कलीसिया में मैं हूं लेकिन उनमें नहीं होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए जिसके लिए जो खड़ा रहेगा। मोजेस को कोई बोलेगा तो मैं सुनूंगा नहीं, क्योंकि मोजेस मेरे सामने खड़ा रहता है, वो मेरे परिवार का भाग है, वो मेरे सेवकाई का भाग है, वो खुद मरने को तैयार है लेकिन तुम्हें मरने नहीं देगा, वो खुद पिछवाई में खड़ा रहने को तैयार है लेकिन तुम्हें हानि नहीं देने देगा, वो खुद देश में नहीं गया लेकिन तुम्हें जाने दिया। That's the Jehovah gets his people like him, then he lives in his people. They are one. मेरे ब्रैंडम कहता है, जॉन 14:12 कहता है, जॉन 14:12 कहता है, हालेलुया, आमेन, आमेन। अब तक जमकर धन्यवाद। हालेलुया, इधर बिलीव ऑन मी द वर्क दैट आई डू शैल ही डू आल्सो, वो जो मुझ पे काम करता है वो काम जो मैंने किया वो भी करेगा, मुझ पे विश्वास करने वाला होना चाहिए। हम अंत के दिनों में वचन के अनुसार इसे देखना चाहिए। बिफोर द प्राइड ऑफ क्राइस्ट कैन एवर बी टेकन अप,
इससे पहले कि मसीह की दुल्हन ली जाए, देयर हैज टू बी मिनिस्ट्री जस्ट टोटल्स एग्जैक्टली टुगेदर। ऐसी शक्ल होनी चाहिए जो दोनों जुड़नी चाहिए, काम जुड़ने नहीं चाहिए, वो स्वभाव जुड़ना चाहिए, बातें जुड़नी नहीं चाहिए, वो चरित्र जुड़ना चाहिए, वही बात होनी चाहिए जो उसमें थी। उसने किया मैंने किया, उसने किया मैंने किया, लेकिन वो जुड़ेगा नहीं, वो तो काम है, काम जुड़ के नहीं होगा। प्रणव कहता है हमें मैनिफेस्टेशन देखने के बाद भी रुकना है, कोई मुर्दों को जलाया करके प्रभु का नहीं होता है। यीशु ने एक भी वचन डिनाय नहीं किया, हम भी डिनाय नहीं करेंगे। यीशु ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि मनुष्य का पुत्र स्वर्ग में कैसा पृथ्वी पर कैसा, ये वचन पे खड़ा रहा। लोग भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए योना का बत्तीस वर्ष से था कि पृथ्वी पर से था, ये कुछ लोग खड़े रह गए। जो को ऐसा परिवार चाहिए जो वचन पे खड़ा रहे। सुन लेना मैं क्या कहने जा रहा हूं। He said, "In the evening time it shall be light. The sun will return again." शाम के समय में उजाला होगा और पुत्र लौट कर आएगा। The Holy Spirit returning in these last days with the fullness of again of God's power. इस अंतिम समय में, सांझ के समय में जब उजाला होगा, पुत्र प्रकट होगा, पुत्र लौट कर आएगा। कौन आएगा? पवित्र आत्मा वापिस इस लोगों में आएगा। कहां पर आएगा? हालेलुया, दुल्हन के अंदर। कैसा आएगा? परमेश्वर के पूरे सामर्थ के साथ, और वो सामर्थ कम नहीं रहेगी, फुलनेस रहेगा। जीसस विल बी आंसर। ब्रैनम कहता है क्राइस्ट इन गॉड में, नाउ वी हैव द डेविड्स आंसर। हर चीज का जवाब होगा, हर बात का जवाब होगा, जवाब हम नहीं देंगे वो देगा। कुछ कुछ जवाब यीशु अधूरे छोड़ के गया है, लेकिन अब पूरा देने के लिए आ रहा है। तो आप और मैं नहीं देंगे, लेकिन आप और मुझ में वो देगा। हालेलुया, आमेन एंड आमेन। सुन लो ना कान खोल के, द होली स्पिरिट रिटर्निंग इन दिस लास्ट डेज विद द फुलनेस अगेन ऑफ गॉड्स पावर, द वर्ड बीइंग मेड मैनिफेस्ट। जहां पर वचन देहधारी होता है, जैसा पिरामिड लूथर वेस्ली और इनसे बढ़ता है, और इस जगह पर आता जब हेडस्टोन पिरामिड में लौट के आता है, वो वैसे ही जुड़ना चाहिए जैसे और भी पत्थर है। तुम कोई रेजर नाइफ कोई ब्लेड उसमें से डाल नहीं पाओगे। सो विल द मिनिस्ट्री द लास्ट डेज विल बी क्लोज। वैसे ही सेवकाई इतनी जुड़ी हुई रहेगी। देखो भला कहीं चार की अपनी सेवकाई है जो लोगों को बाहर बुला रही है, भला कहीं चार में मसीह की सेवकाई है जो दुल्हन को बाहर बुला रही है। Praise God, hallelujah. नबी कहते हैं उसके अंदर दुल्हन की भी सेवकाई है, उसके अंदर चार पांच लोगों की भी सेवकाई है, और उसके बाद में यीशु की सेवकाई खुद की भी है। उसके बीच में नबी कहता है रेवलेशन 11 में और दो नबी की भी सेवकाई है। हर प्रकार की सेवकाई है, लेकिन यह राजा की सेवकाई, यह राजा की सेवकाई नहीं है, लेकिन राजा की आत्मा सेम ही है, लेकिन व्यक्ति अलग है। यीशु की सेवकाई वही है, लेकिन लोग अलग होने चाहिए। मैं आपको कुछ प्रूव करूंगा, आप सुन लेना। तो प्रणव कहता है अब वो इतना नजदीक आ गया है, पॉजिटिव हालेलुया, नेगेटिव पॉजिटिव बनते जा रहा है। शैडो अब हमें दिखाई दे रही है, ये बहुत ही जल्द शैडो नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, इतने एक हो जाएंगे। दैट्स द वे द चर्च बिकम्स द ब्राइड बिकम्स टू क्राइस्ट। और इतनी नजदीक कलीसिया आती है कि वो मसीह बन जाती है। दे बिकम वन इन मैन एंड हिज वाइफ, पुरुष और स्त्री के नहीं एक हो जाते हैं। तभी कहता है जब अंत का समय आता है और एक दिन आता है, इब्रानी 13:8 आता है, यीशु मसीह कल आज और इब्रानी एक समान है, वचन शरीर बनता है, जिसे लुक 17 मलाकी 4 में बोला गया है, रेवलेशन में बताया गया है, ऑल ट्रू लाइफ दैट वाज इन द स्टेक डेजल एंड हर्ब्स इज नाउ गैदरिंग इन द सीड। और सारा जीवन जो हालेलुया हेमन पत्तियों में था, डालियों में था, अब जीवन बीज में आ रहा है, और जो बीज है वो मलाकी 4 के द्वारा प्रचार हुआ है। फॉर्मर रेन में सोया बोया गया है, संपूर्ण वचन का बीज कहीं भी तो बोया गया है, लेकिन बारिश तो होने वाली है, लेकिन अगर काटियों में है तो बढ़ेगा नहीं, रास्ते में है तो मिलेगा भी नहीं, पत्थर पे है तो उगेगा ही नहीं, लेकिन अगर अच्छी भूमि में है, इसलिए मैं आत्मा तो नहीं दूंगा लेकिन अच्छी भूमि रहेगी। Glory, hallelujah. नबी कहता है जो बीज दैट फेल इन द गार्डन ऑफ ईडन
डाइट देयर कम बैक और वहां पर इंफोपेक्सिल आया डाइट हो गया वापस गिरते गया लेकिन नबी कहता है अंत के समय में पहली हवा गिर गई लेकिन अब जो आया है सेकंड कमिंग वहां पर हैज ब्रिंगिंग फॉर द चाइल्ड नाउ हैज बिकम द ट्रू प्राइड अगेन जो बच्चा भाई ब्रैनम ने प्रचार करके आया है अब वो बच्चा नहीं रहा है अब वो सच्ची दुल्हन बन गई है हम प्रचार के द्वारा हिलकोरे खाने वाले नहीं है लेकिन सेवकाई के द्वारा बढ़ गए हैं अब हम अपना निर्णय ले सकते हैं कोई आमीन कहे मलाकाई चार की बेसुआई की सेवकाई ने हालेलुया प्रचार के द्वारा बीज को लाया वो मसीह का बीज बोया गया पांच प्रकार की सेवकाई के द्वारा बढ़ाया गया ताकि वो हिलाया डुलाया न जाए लेकिन अब वो अपनी मैच्योरिटी में आया है जहां पर वो उसे स्थान दे सकता है नबी कहता है सेकंड कमिंग हैज ब्रिंगिंग फॉर द चाइल्ड नाउ हैज बिकम द ट्रू ब्राइड अगेन अब वी आर बॉर्न सन हालेलुया अब केवल बच्चे नहीं है हम दास नहीं है हम मैच्योर हो गए हैं कोई तो है जिसको प्रभु उसके लिए उसके पास्टर को हेवन में नहीं भेजता है वो खुद जाके आता है कोई तो है जो अपने डैडी को हेवन में भेज के नहीं बोलता है क्या है वो खुद जाता है हम क्या करते हैं कुछ कठिन आगे तो आप देखो ब्रदर जो प्रभु के प्रेजेंस में खुद जाता है He is a mature Christian, जो यहोवा के साथ रहता है जो यहोवा से संगति करता है मतलब ब्रैनम कहते सीड सीड होना चाहिए और अभी कहता है वो सेकंड एडम हालेलुया फर्स्ट यू गिर गई लेकिन सेकंड रिफॉर्मेशन आ गया कमिंग हैज अ ब्रिंगिंग फॉर द चाइल्ड एक बच्चा पैदा हुआ And now has become the true bride again, the seed right back with original word again. और वो जो बीज है वो मूल वचन के साथ लौट कर आया है अल्फा ओमेगा यहाँ पर है नबी कहता है हालेलुया उसके बीच में कुछ भी नहीं है अब शैतान से कहना बीच का तो भूल जाना वो अल्फा और ओमेगा है वो आदि और अंत है और सेम जीसस हालेलुया शैतान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा He never said anything in between. बीच में कुछ भी नहीं है चाहो और उसके फैमिली के बीच में एक दिन लूसीफर आया चाहो और अय्यूब के बीच में एक दिन लूसीफर आया चाहो और पहले कलीसिया के बीच में एक दिन लूसीफर आया निशियन कॉन्सिल्स आया लेकिन आपको ऐसा बढ़ाना चाहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी शैतान आ ही नहीं पाएगा कम ऑन हालेलुया हालेलुया आमेन प्रेज द लॉर्ड सुन लेना बहुत ही गहरा है He never said anything in between. Alpha Omega, first and last. The first ministry and last ministry will be the same. पहला आखरी सेवका एक ही रहेगी. The first message and the second last message is the same. पहला आखरी संदेश एक ही रहेगा. I am, I was in Alpha, I am in Omega. मैं हूँ, मैं Alpha में था और मैं Omega में भी रहूँगा. क्या मेरे साथ में हो? Alpha कौन था? अब यही पर तो secret है. Issue नहीं था. Issue दुल्हन में था. That's a Pentecost. Pentecost, जो वहां पर दुल्हन आ गई उसमें यीशु था उसमें आने से पहले यीशु कौन था यीशु ही था Now he's Omega bride. अब Omega दुल्हन में आया है उसके बाद में वो ही रहेगा That's his ministry. मैं प्रूव करूंगा आपको मैं खाली पढ़ के बोल बट नहीं करूंगा नबी कहता है थोड़ा समय जाएगा सांझ के समय में उजाला होगा अल्फा ओमेगा आएगा आखिरी और पहला आएगा बहुत सारी बातें इस घटना पर मैं बता सकता हूं नबी कहता है बहुत घंटे घंटे लेकिन मुझे बताना नहीं है वो मान मास्टरपीस ऑफ अ फैमिली द सेकंड एडम एंड सेकंड ईव नाउ रेडी फॉर द गार्डन द मिलेनियम अभी दूसरा मास्टरपीस और आदम और हवा दोनों मिलेनियम के लिए तैयार है नबी कहता है हालेलुया ओ द ग्रेट स्कल्प्टर डिडंट लीव देम ले देयर और वो महान मूर्तिकार ने उन्हें वहां पढ़ने के लिए छोड़ा नहीं है आदम और हवा को बगीचे में छोड़कर वो जाता था और शाम को आता था यहाँ शाम को नहीं आता है देल देल। मेरा प्रभु केवल इवनिंग में नहीं आता है मॉर्निंग में नहीं आता है टाइमिंग में नहीं आता है
रात और दिन मैं तुझ पे नजर रखूंगा। नथिंग इन बिटवीन। उस समय सुबह आया, मतलब ब्रैनम के समय में सांझ को आया, लेकिन ना दिन होगा ना रात होगी, हालेलुया, लेकिन सांझ के समय में कब तक भोर का तारा चमकने तक। सैतान हियर नो प्लेस। जोआ इज लिविंग विथ हिज फैमिली। अब ब्रदर डैनियल आप मुझे बताओ, इन लोग क्या समझेंगे मालूम नहीं है। अगर एक परमेश्वर बगीचे में रात और दिन रहता तो क्या शैतान आता था? उसने खुद लगाया था, खुद वहां बैठा था, खुद उसे मालूम था है। इस कारण कि उस शाम को आता था, शैतान दोपहर को काम करता रहेगा। हालेलुया। पहले कलीसिया काल में प्रभु आ गया, हालेलुया, चेलों ने ले लिया, थोड़ा भाग मिल गया, चले गए। आखिरी भी इन टाइम में भी आ गया, लोगों ने मैसेज लिया, जब भाई ने प्रचार किया, सबको साइन चाहिए, बस वॉइस किसको चाहिए नहीं। हालेलुया। क्योंकि वॉइस से शैतान भी डरता है। आदम ने बोला तो हियर आए हम, शैतान तो भाग गया, वो जवाब ही नहीं दे पाया, सांप अकेला पड़ गया और सांप को उसने मट्टी पे ला दिया। लेकिन यहोवा अपने लोगों को छोड़ा नहीं, आदम अपने बीवी को छोड़ा नहीं। दैट्स अ मिनिस्ट्री, तुम छोड़ोगे नहीं, एक दूसरे पे डाल के छोड़ोगे नहीं। यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, तुम जिम्मेदारी ले लोगे। क्या पीटर की जिम्मेदारी यीशु ने ले ली? क्या यीशु की जिम्मेदारी यहोवा ने ले ली? पीटर को कहा गया, शैतान ने मांगा है, यीशु ने प्रार्थना किया, यीशु ने कहा मैं कमजोर हूं, यहोवा ने बल भेजा। और जब क्रूस पे वो उठा नहीं पाया तो साइमन को भेज दिया। वो अपनी आंख हटाता नहीं है। मैं प्रूव करूंगा, आप मेरे साथ रहना, बैठ जाना। नबी कहता है द ग्रेट स्क्रिप्टर डिडंट लीव देम ले देयर, ही टुक टाइम, समय तो जरूर लिया। ही डिड थ्रू द मिलियंस ऑफ इयर्स मोल्डिंग द फर्स्ट परफेक्ट कपल। क्या पीटर समझा? लाखों साल से सोच रहा था, मन में आया करके मनुष्य नहीं बनाया। आमीन को कुछ तो अंदर फीलिंग आया करके नहीं बनाया। लाखों साल से सोच रहा था कैसा आंख बनाऊंगा, कैसा सर बनाऊंगा, कैसा उसका शरीर बनाऊंगा, लेकिन ऐसी एक जगह बनाऊंगा जो मुझे ओबे करेगी, ऐसा एक हृदय बनाऊंगा जिसमें मैं रहूंगा। सोच रहा था, फिर भी वो मुझे डिनाई करेगा, लेकिन फिर मैं क्या बनाऊं जो उसमें रहेगा? सिक्सन बनाऊंगा, फिर भी वो थोड़ा सा पीछे हटेगा, फिर मैं क्या बनाऊंगा? मैं उसमें आऊंगा, कोई तो एक रास्ता बनाऊंगा जिसके द्वारा मैं वहां आऊंगा। नबी कहते इट टुक मिलियंस ऑफ इयर्स मोल्डिंग द फर्स्ट परफेक्ट कपल एंड दे फेल, और वे गिर गए। बट नॉट बीन द थाउजेंड्स ऑफ इयर ही इज मोल्डेड अगेन, दे आर रेडी, वहां पर वे तैयार है, क्योंकि होली गोश पूरे सामर्थ्य के साथ तुम्हें रहने के लिए आया है। यही वो दुल्हन की सेवकाई है मसीह की, जो दुल्हन के अंदर सच्ची दुल्हन में काम कर रही है, इंपर्सनेटेड हो रही है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मैं पढ़ू, आप सुनना चाहते हो ब्रदर? The great masterpiece of a family, the second Adam, the second Eve. Now ready for the garden, the millennium. Amen. Back on the earth. Hallelujah. The great sculptor didn't leave them lay there. He took time, as he did through the millions of years, molding the first perfect couple. And they fell. Now it's been through thousands of years. He is molded again. And now here they are ready. And यहाँ पर वे तैयार है, जिसे भाई ने कहा कभी ना हारने के लिए, कभी ना डिफीट होने के लिए, कभी ना गिरने के लिए, कभी ना जुदा, कभी ना अलग। चाहो आप फैमिली को छोड़ेगा ही नहीं, मैं आना छोड़ूंगा नहीं।
माँ भूले तो भूले, नबी कहता है द मास्टर बी वॉज कम एंड स्टक डाउन फ्रॉम हिज साइड कम फॉर द हेल्पमेट एंड शी इज ब्रॉट अप इन द सेम प्रोसेस नाउ हियर शी इज बैक अगेन विथ ऑल नेचर द बाइबल एंड एवरीथिंग एल्स शोइंग. अब हम वापिस लौट रहे कैसा संपूर्ण स्वभाव के साथ, संपूर्ण बाइबल के साथ. इसी नबी कहता यू आर वॉकिंग बाइबल, यू आर लिविंग एपिस्टल्स, तुम चलते फिरते बाइबल रहोगे. That's the word made flesh. जहां पर दुल्हे का सेवकाई, मसीह का सेवकाई वापिस एम्पावर्ड होगा. तुम्हारे अंदर इम्पोस्टर रहेगा, वो वेशभूषा बदलेगा लेकिन वही जिएगा. शैतान आपको देखकर लड़ने को आएगा लेकिन अंदर कौन है मालूम नहीं है. शैतान बोलेगा ये मारा तो भी महार नहीं मान रहा है. अरे प्राण गया तो भी हार नहीं मानी, क्योंकि ये वो नहीं है, वो उसके अंदर है. तुम मानोगे ही नहीं. वन इन अ मिलियन, वन इन अ मिलियन, मतलब ब्रैनम कहता 65, वन इन अ मिलियन. ही सपोज टू अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर रिटर्न टू अस इन द लास्ट डेज इन दिस टाइप ऑफ मिनिस्ट्री दैट विल आफ्टर द बैप्टिज्म ऑफ द होली घोष, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बाद में स्पीकिंग ऑफ टंग्स, डिवाइन हीलिंग सब कुछ हो रहा है. लेकिन अब मैसेज को कैप होना है. क्या आप रेडी हो? मतलब ब्रैनम कहता है क्या आप आज तैयार हो? दिस मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट हिमसेल्फ इम्पर्सोनेटेड अमंग हिज पीपल, और मसीह की खुद की सेवकाई उनके लोगों में वेशभूषा धारण की है. खुद वो आया है विद द वेरी सेम थिंग दैट ही डिड व्हेन ही वाज हियर ऑन अर्थ. वही चीज को करने के लिए जो चीज वो करता था जब वो पृथ्वी पर इन हिज बॉडी अपने देह में था यीशु के. द ब्राइड विच इज द पार्ट ऑफ हिम डूइंग द सेम थिंग. दुल्हन जो उसका भाग है वही कर रही है. इसलिए मैंने कहा काका आया, मामा आया, मेरे प्रियजन आए, मेरी सेवकाई होगी. अब रिलैक्स, लेकिन रिलैक्स नहीं होगा. और भी मेरी भेड़े हैं जो तेरे पहचान की नहीं है, तेरे सबन की नहीं है, लेकिन तुझे जाना होगा क्योंकि वो जरूसलम में नहीं है, दुनिया के अंत तक है. क्या पॉल को जाना पड़ा? अब मैं आपको वहां लेके जाऊंगा जहां वो सेवकाई करेगा. नबी कहता है वो उसकी देह में जो दुल्हन है, जो उसका भाग है, डूइंग द सेम थिंग एज हस्बैंड एंड वाइफ, किंग एंड क्वीन बिफोर द मैरिज सेरेमनी. वो हमने कब पढ़ा? बिफोर द वेडिंग, शादी से पहले ऐसा वो करेगा. लेकिन अब शादी जब हो रही है तो सेरेमनी से पहले वो ये करके दिखाएगा. इसलिए मतलब ब्रैनम जो सेवकाई किया ना, उसके पीछे एक रेवोल्यूशन था ताकि वो सेवकाई से वो चीज पूरी हो जाए जो होनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को कोई जगह न मिले, शैतान को कोई जगह न मिले जहां वो हमें रोक सके. लीगल हो जाता है, परमेश्वर लीगली काम करता है. वो वेडिंग से पहले भी लीगल काम किया नबी के द्वारा सारी बातें कर कर, और अब वो सेरेमनी से पहले भी लीगल काम कर रहा है ताकि एक बार सेरेमनी चालू होगी तो शैतान कुछ नहीं कर पाएगा. कोई तो है जो उसमें रहेगा, चरित्र में रहेगा. मैं आई डू बोलने के बाद चरित्र नहीं पाने वाली, चरित्र है करके आई डू बोलूंगी. मैं आपसे कहता हूं आप मसीह में आए करके आपको मसीह का चरित्र नहीं मिला, लेकिन आपके किताब में वो चरित्र आपके लिए था करके आपको लाया गया है. इसलिए नबी कहता है हम पैदा होकर पुत्र नहीं बने, हम पुत्र है करके हमने नया जन्म लिया, क्योंकि बीज ही नया जन्म लेगा. फोर्थ पॉइंट, गॉड्स प्राउड प्लेस ऑफ वर्शिप 65. जीसस ने खुद कहा उस दिन जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा. दूसरे शब्दों में द सन ऑफ मैन द मिनिस्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ. रेवलेशन के रिवील्ड होना यानी कि मिनिस्ट्री को करना. अरे वहां पर मैंने भाई को देखा, मतलब वो कुछ तो किया वहां. खाली देखने से कुछ नहीं होता है, कुछ तो किया. देखने के लिए तो 30 साल से उसकी मां भी रोज उसे देखती थी. दाढ़ी वाला इशू, जब्बे वाला, कारपेंटरी करता है, कुछ बनाता है, लकड़ा बनाता है, ये बनाता है.
लेकिन जिस दिन जॉन ने देखा कोई तो हमारे मध्य में है, क्या है कि मुझसे बड़ा होकर भी नम्र बन रहा है, मुझसे हायर होकर भी मेरे पास आ रहा है, जैसे कैरेक्टर कामों से नहीं चरित्र, वो नेचर। हालेलुया, जिसका पैर का बंद खोलने के मैं योग्य नहीं, वो मेरे द्वारा। हालेलुया, लेकिन दिखावटी नहीं। कल पास्टर भी आपके पास आएगा, बोलो आप मुझे सिखाओ, मैं सीखूंगा। लोग आके आप मुझे सिखाओ, सीखूंगा। अरे बोलने से नहीं होता है, सीख के जीना होता है, फिर मालूम पड़ता है कि भाई में नम्रता है। ऐसे डाकू डोजम चोर बहुत देखिए। चलो मैं भी ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत ये होता है, प्रेशर चढ़ता है, क्योंकि लोग वचन पढ़ के नम्रता बहुत सीखते हैं, लोग मैसेज पढ़ के दिखावटी बहुत सीखते हैं, लेकिन ये सीखने की चीज नहीं है, ये पाने की चीज है। क्या बोलो, मैं सही हूं? मैं बाइबल में बोला करके, मैसेज में बोला करके हम बड़े छोटे, मैं भी थोड़ा सा। यीशु मसीह ऐसे दिखाने नहीं आया था, लेकिन उसने बताया भी नहीं कि यूहन्ना मैं हूं, आ रहा हूं, भाजो जाओ, राजा आ रहा है, अरे रास्ता खोल दो। अरे तुझे क्यों भेजा था, क्यों भेजा था? मार्ग बनाने के लिए। यहां तो कितना क्राउड है, कोई मुझे जाने ही नहीं दे रहा है, तू क्या होता पानी में बैठा हुआ है? कुछ नहीं बोला। सच्ची तुलना ऐसी होती है, वो हर हालात में रास्ता बनाती है, लेकिन वचन तक पहुंचती है, वचन को ले लेती है, नम्रता को दिखाती है, क्योंकि वही चरित्र जहां जो रहता है। क्या कबूतर की नई आत्मा आया? क्या जो रहने को आया? प्रियो हम नहीं जानते हम क्या होंगे, लेकिन जब प्रकट होगा उसके समान, क्योंकि उसके स्वभाव में पाप, और जो स्वभाव मसीह का था मैं अपनी आत्मा उंडे लूंगा, लेकिन स्वभाव किसका है? जो ले लेगा उसको थोड़ा आत्मा दिए कि नहीं? शाम को छाती कितना फूका है, मैंने ये करया, बताए मैंने प्रीच किया वहां, थोड़ा आत्मा दिया, सेवा किया, ऐसा इधर ऐसा नहीं उधर, नहीं नहीं सब जानता है। कहां से आया है? ये स्वभाव नहीं चाहिए। मैं इनसे लोगों से मिल चुका हूं, स्टोरी नहीं है, पर्सनली बैठ चुका हूं, चेहरा बताता है, आंखें बोलती है, आपकी अंदर की बुबुल भी बोलती है, नीति वचन सब कहता है, तुम्हारा चेहरे का एक्शन भी बोलता है, झूठा हंसी भी दिखता है, झूठा चाल चलन भी दिखता है, खोटी नम्रता भी दिखती है। लेकिन हम बोलते नहीं, क्यों? इन हिज टाइम वो अपने लोगों को जाहिर करेगा, लेकिन हमें देखना है कि मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, खुद प्रकट होगा जब वो रिवील्ड होगा, यानी कि वहां पर जाहिर होगा, तभी हम उसे जानेंगे कि उसकी सेवकाई हो रही है। और यीशु प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? जब प्रकट हुआ तो नम्रता में आ गया, हर हेडस्टोन नम्रता में आता है, और जब नम्रता आती है तभी हमें प्रभु उठाता है। क्या मेरे साथ में हो? जिसके पैर का बंद खोलने के लिए जॉन योग्य नहीं था, उसके हाथों से बपतिस्मा लेने के लिए यीशु आगे आ गया। क्यों 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 क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो फैमिली का भाग था, कि जॉन कोई और फैमिली का नहीं है, मेरा ही फैमिली का है। और हमें भी मालूम होना चाहिए कि हम अलग नहीं है, भले आप रॉयल की फैमिली नहीं हो, लेकिन जो हो अगे हो, भले आप उसकी फैमिली नहीं हो, इसलिए खाना अलग अलग मिलेगा लेकिन वचन सेम मिलेगा, कपड़ा अलग अलग मिलेगा लेकिन जीवन एक ही मिलेगा, क्योंकि जहोवा हर एक को भरेगा, वो अपने परिवार के साथ एग्जिस्ट रहेगा। हालेलुया, सुन लेना मैं क्यों कह रहा हूं, सब चीजें बाहर आ रही है। नबी कहता है द सन ऑफ मैन द मिनिस्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ, दैट इज द रिवीलिंग।
कलीसिया जब उस स्थान में आती है धार्मिकता पवित्र पवित्र बपतिस्मा पेंटिकॉस्टल जब उस परफेक्शन में आती है जो सन ऑफ मैन का है, और सन ऑफ मैन का परफेक्शन में आने के बाद में हस्बैंड वाइफ जो सेल्फ सेम पर्सन है, गॉड विल बी सो मैनिफेस्टेड इनटू हिज ब्राइड हिज चर्च टिल दे विल बोथ बी द सेम दे आर वन, वो दोनों एक रहेंगे। और एक होने का मतलब हम पर उसको अधिकार देना, जब दूसरा माइंड आएगा नहीं तो एक ही माइंड चलेगा और वो मसीह का मन ही चलेगा। मसीह कहेगा राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट। दोनों का एक होने का मतलब क्या है? मेरा मन ही नहीं उसका ही मन, मेरा शरीर उसका मन रहेगा, मेरा देह उसकी आत्मा रहेगी, परमेश्वर उस परफेक्शन में लाएगा। और यीशु ने कहा मैं सब जानता हूं, मैं वहां था ब्रदर डैनियल जब परमेश्वर ने सब किया, मैं जानता हूं प्रभु क्या करने वाला है, पिता मुझे मालूम है तू मेरी सुनता है, फिर भी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं तुझे पूछता हूं ताकि ये लोग जाने कि हम दोनों एक है। वही तो मौजिस करता था, यही तो सीक्रेट है, आपको मालूम है फिर भी प्रभु को पूछते हो। ब्रह्म कहते हैं सुन लेना, सेल्फ सेम सेल्फ पर्सन। मैं इंग्लिश में पढ़ू, एंड टू द पेंटिकॉस्टल राइट गो इन टू द परफेक्शन ऑफ द सन ऑफ मैन दैट वेन द हस्बैंड एंड वाइफ विल बी द सेम सेल्फ पर्सन, वही वही व्यक्ति रहेंगे। गॉड विल बी सो मैनिफेस्टेड इन टू हिज ब्राइड हिज चर्च टिल दे विल बोथ बी द सेम दे आर वन, वे दोनों एक रहेंगे, एक ही रहेंगे। मतलब प्रभु को भरोसा है कि जो मैंने बोला वही मेरा दुल्हन बोलेगा। हालेलुया, आत्मा दुल्हन और नबी एक ही बोलेगा, वचन कलीसिया और प्रभु का दास एक ही बोलेगा। गॉड हैज अ कॉन्फिडेंस क्योंकि मैं अपने आत्मा उन्हें लूंगा, दास दासी सबके ऊपर बलाम बलाम का आत्मा दिखाएगा। अब शांत नहीं रहना, अब बलाम को बलाम की जगह दिखाना, अखान अखान की जगह दिखाएगा, वो भी मेरा इजरायली मेरा चुना हुआ है। हालेलुया, कोई तो है जो अपनी जगह दिखाएगा। आत्मा तो इस पर भी है, आत्मा तो उस पर भी है, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर बताएगा कि मसीह की आत्मा क्या कर रही है। मैं न्याय नहीं करूंगा, मैं सब पे आत्मा उड़े लूंगा, दास में दासी में सब पे, लेकिन जिसमें मेरा बीज है वही मेरा रिफ्लेक्शन लाएगा। अरे जिसे अनुभव नहीं वो घमंड करेगा, जिसे मिल रहा है वो ईगो करेगा, मैं क्यों उसके पास झुको, मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों झुको, वो करना चाहिए, सब सब आपको दिखाई देगा, लेकिन जिसमें मसीह का स्वभाव है, द सीट शैल नॉट बी हेयर विद द सक में नबी कहता है, नाउ इट्स गॉट टू कम राइट स्ट्रेट बैक टू दैट ओरिजिनल मिनिस्ट्री दैट ही हैड हियर ऑन अर्थ बिकॉज इट्स द ब्राइड दे आर वन। अब वो वहां पर आ रहा है जहां पर उसकी मूल सेवकाई, वॉट ओरिजिनल मिनिस्ट्री। यीशु मसीह खाना खाने नहीं आया था, लोगों को घुमाने फिराने नहीं आया था, गली गली घूमने के लिए लोगों को बताने नहीं आया था। द सेम वन दैट वेंट इन टू द ग्राउंड कम बैक इन टू द ब्राइड, और जो बीज नीचे चला गया वही बीज दुल्हन में आ गया। हालेलुया, जो जीवन, हालेलुया, प्रेज गॉड, बीज में था वो जीवन अब पत्तों में नहीं है, दुल्हन में लौट के आया है। और अभी कहते जज द ब्राइड एंड द ग्रूम इज द सेम फ्लैश, अब्दुल्ला और दुल्हन दोनों एक शरीर है, एंड ब्लड लहू है, द सेम मिनिस्ट्री दैट द सेम थिंग डूइंग जस्ट एग्जैक्टली व्हाट ही डन द स्पिरिट, वही जो उसने किया वही वो यहां कर रहा है, यही बात जो वहां की वो आज कर रहा है, वो अभी भी पिता को महिमा दे रहा है। मेरा पिता मुझसे बड़ा है, पिता ने दिखाए बगैर मैं कुछ नहीं करता, मुझे सारा अधिकार दिया गया है, फिर भी मैं ओबीडियंट रहता हूं, कमान कोई तो मेरे साथ रहे, सारा पृथ्वी उसके अधीनता में था, सारा स्वर्ग उसके अधीनता में था, फिर भी वो पिता को स्थान देता है। सेम फ्लैश एंड सेम ब्लड सेम मिनिस्ट्री, हालेलुया, ही इज डूइंग इट अगेन। पर्गमन चर्चेज सुन लेना, दुल्हन वही करेगी जो वो चाहता है। आपने सुना है दस सिद्ध लॉर्ड बोलेगी, He did not complete all his work while he in his earthly ministry. So now his works in and through the bride.
कुछ ऐसे काम है जो उसने अपने दिनों में पूरे नहीं किए, मतलब जो दिखावा करने वाले बहुत है, कुछ अभी भी ऐसा है जो दिखा नहीं है, लेकिन जो उसके मन में है कोई और नकल करेगा नहीं, केवल दुल्हन में ही वो करेगा। Come on, that's the anointing of the last day. प्रभु का अभिषेक सिखाएगा, प्रभु का अभिषेक चलाएगा, किसी को समझेगा ही नहीं। Glory to God. यही पर मेरा पंच है। He did not complete all his works while he is in earthly ministry. So now he works in and through the bride. She knows that. और वो जानती है। For it was not yet time for him to do the certain things. ये समय उसके लिए नहीं था कि इन बातों को करे। That he must do now. जो अब उसे करना है वो तब करने के लिए उसे जगह नहीं थी, लेकिन अब जगह है। तब शैतान ने कुछ बोला वो सुन के चला गया, लेकिन अब फेस टू फेस। तब शैतान ने परखा लेकिन वो चुप रहा, लेकिन अब फेस टू फेस, क्योंकि अब वो पाप रहित प्रकट हो रहा है, उसके स्वभाव में पाप। ग्लोरी टू गॉड। तब वो जो आया पाप की बूझ को लेकर आया, लेकिन अब वो पाप रहित। ग्लोरी टू गॉड। क्या कोई समझ रहा है? तब वो तुम्हारे कारण खामोश रहा, तुम्हारे कारण चुप रहा, तुम्हारे कारण शांत रहा, या अब तुम्हारे ही द्वारा वो आग लाएगा, सामत लाएगा, शैतान को बताएगा कौन सी सेवकाई मेरे पास है। लो दैट कॉन्करर, बैल भी आज्ञा में आया, मधुमक्खी भी आज्ञा में आई। हालेलुया। अब मैं रॉयल रॉयल से बोलता है, मार उड़ी जितनी मारनी है फिर भी तू नकल कर नहीं पाएगा, लेकिन वो जब करेगा तेरी नकल कोई और नहीं करेगा। सो आई एम इन बिटवीन। मैं अपने आप में कोई घमंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूं। पीटर भी नहीं जानता था कि मैं चलूंगा और क्या होगा। ब्रैनम भी नहीं जानता था कि एंजल आके क्या देगा। तुम भी नहीं जानते हो, लेकिन वो करने वाला है। क्या पीटर चला लोग चंगे हुए? हालेलुया। जब जब वो एंजल वहां आया वहां चंगाई हुई। ओ माय गॉड, फिर तुम किसके लिए रुके हुए हो? जब वो तुम्हारे अंदर इंपर्सोनेटेड होगा, वो अपने फिनिश वर्क को करने आएगा, और वो विनती नहीं करेगा राहेल तू आएगा मेरे पीछे, वो दावा करेंगे कम फॉलो मी। होने वाला है, क्योंकि पीटर चल के, पीटर उधर ही कहेगा मैं चलने से होता है तो चलो, मेरा कंकल किधर पड़ा उधर में जाऊंगा, मेरा मामा का चाचा किधर उधर में जाऊंगा, लेकिन पीटर को मालूम ही नहीं कब चलेगा और कब होगा, क्योंकि उसके हाथ में था ही नहीं, ये उसके हाथ में था। तुम्हें भी मालूम नहीं रहेगा कब क्या होगा, ये उसके हाथ में रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर इंपर्सोनेटेड हो जाएगा, उसकी सेवकाई तुम्हारे अंदर आ जाएगी। वो कामों की सेवकाई नहीं, जीवन की सेवकाई। मैंने प्रिज के चंगा हो गया, उसने भी प्रिज के चंगा हो गया। मैं वहां गया तो मन को परख लिया, उसने भी परख लिया। अरे मैंने बंदा को आग दिया, उसने लंगड़े को पैर दिया तो मैंने भी दिया। क्या फर्क है? दोनों एक ही है। ये फर्क बहुत बड़ा है। कोई नम्र हो रहा है, कोई घमंडी हो रहा है, और यही चरित्र का फर्क है। कोई तो है जो झुक रहा है, कोई तो है जो जान रही है मैं नहीं, यहोवा मुझ में है। और एक दिन आ गया, तुझे कितने करोड़ रुपए चाहिए? हाँ, उसने कहा मैं आऊंगा नहीं जब तक यहोवा दिखाता नहीं। Glory to God। बाकी कहेगा हो ना हो, नहीं हुआ तो उसके माथे पे मारूंगा, हुआ तो मेरे माथे पे जाके चेक करेंगे। क्या बात मारी? 10 करोड़ देगा बोला, नहीं हुआ तो बोलेंगे प्रभु की इच्छा नहीं थी, हुआ तो हुआ ना, जाते ना तो बलाम की नहीं जाएगा। हाँ, तो वो बलाम बन जाएगा। इसलिए मैं आत्मा तो उंडेल लूंगा, ये तुम कौन हो जान लेना। आत्मा पाने से पहले कुछ तो बनना होगा, कुछ तो जगह पे आना होगा,
कुछ तो स्थान में आना होगा, कुछ तो बातों में आना होगा, हमारा नया जन्म होना होगा, पवित्र आत्मा के हालेलुया छाप में आना होगा। मैंने खत्म किया, क्या मेरे साथ में हो? लेवड़ी से चर्चेज में मैं मिनिस्ट्री खत्म कर रहा हूं, मैं बातों को खत्म कर रहा हूं। नबी कहता है वो सुनेंगे जो उसके भागे, और जो भागे जो रेवल्यूशन 22:17 में बोले आत्मा दुल्हन दोनों कहेगी आ। गेहूं का दाना, दुल्हन का दाना जो जमीन में गिरा हो, जो उठा निशियन काउंसिल्स में वापिस दबाया गया, वो वापिस बाहर आएगा। ओरिजिनल मिनिस्ट्री में ओरिजिनल वर्ड ग्रेन आएगा। एंड प्रेज गॉड फॉर एवर, और हमेशा वहां रहेगा। ओरिजिनल मिनिस्ट्री क्या था? कि मेरा दाना वो आए जो कभी मरेगा नहीं। व्हाट ही सेज फ्रॉम गॉड द ब्राइड विल सी, द स्पिरिट एंड द प्रॉफिट ऑफ द ब्राइड विल सेइंग सेम थिंग, एंड व्हाट दे विल से विल हैव ऑलरेडी बीन सेड इन द वर्ड। और वो जो बोलते हो कहां होना चाहिए? वचन में होना चाहिए, क्योंकि वचन ही है जो हमें पैदा किया है, और हम वचन पे कभी डाउट करेंगे नहीं। कुछ भी आए, कुछ भी जाए, द वर्ड इज इटर्नल ट्रुथ, क्योंकि वचन की सेवकाई हमारी सेवकाई है। क्या वचन देदारी हुआ? क्या वचन नम्र हुआ? क्या वचन झुका? क्या वचन जय पा लिया? वही सेवकाई आएगी। कोई तो यहोवा के साथ रहेगा, कोई तो कहेगा मुझे वो आत्मा मिला है जो पहले कभी नहीं था, मैं आत्मा उंडेल लूंगा, अंतिम दिनों में मैं अभिषेक डालूंगा। कोई तो झुकेगा, कोई तो जिएगा, काम नहीं करेगा केवल, स्वभाव भी लाएगा, चरित्र भी लाएगा। प्रभु आपका आशीष दे। I'm gonna make you mine.
I'm gonna make you mine.
रहकर भी उतरना चाहिए, हमें आत्मा से मिलना चाहिए। जैसे दास ने कहा हमें उसमें बढ़ते जाना है, हमें आत्मा से मिलना है। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे, जे आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। ओ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। ओ हे सहारा मेरा, ओ मेरा,
सकते हैं, उसके समान देख सकते हैं, सोच सकते हैं, चल सकते हैं, पर उसके समान उसके जैसा नहीं बन सकते। पर आज भी कहना है हमें तो अपने जैसा बना, हमें अपने समान बना कि हम भी उस शैतान से लड़ पाए। तेरे उपयोगी दिल की मेरी ये प्रार्थना, जैसे माँ की प्रार्थना में जाते मेरे संग में पर सब मैंने मुझे उठा।
कलीसिया को बना प्रभु, हमारे हर एक भाई बहनों को बना परमेश्वर। तू परमेश्वर प्रार्थना करते इंडिविजुअल के पास जाके तो विजिट करता है परमेश्वर। हाँ प्रभु तू बनाता है परमेश्वर, तू बातें करता है परमेश्वर, तू हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु, तू अब्राहम का परमेश्वर प्रभु, याकूब का परमेश्वर, ईसा का परमेश्वर, हाँ परमेश्वर प्रभु तू जीवितों का परमेश्वर प्रभु। हाँ परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु, तो आज भी वही परमेश्वर है प्रभु, वो तूने परमेश्वर अनकंडीशनल प्रभु वायदा दिया अब्राहम को, तो आज भी हमारे साथ भी वही वायदा दिया परमेश्वर। तूने क्रूस पे मरने से पहले तूने ये नहीं कहा तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर तू मेरे लिए दिखाया परमेश्वर प्रभु, तू जानता प्रभु तूने हमारे लिए क्या क्या हमारे अंदर क्या क्या रखा है प्रभु। ओ परमेश्वर प्रभु लाखों साल प्रभु लगा तुझे बनाने के लिए परमेश्वर, ओ नबी ने कहा प्रभु, हाँ परमेश्वर तू हर एक बात हमारे अंदर का जानता है प्रभु। हम मांग धन्यवाद करते प्रभु सभी के लिए प्रभु, आज के परमेश्वर प्रभु संदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु खास करके प्रभु तेरा प्रेजेंस के लिए परमेश्वर जो हमारे मध्य में है प्रभु, ओ तेरे उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, योग्य तू है परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर, इसे एक बार हम धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा हरे को तू छूए प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु इस समय को तुझे दिया, हमारे भाई बहनों को इकट्ठा किया, हमारे संतों के पैरों को हमारे घर पे लेके आया प्रभु, ओ परमेश्वर तूने इस घर को चुना, हम धन्यवाद करते ताकि तेरी नाम की महिमा हो परमेश्वर, हमारे जीवन से तेरी नाम की महिमा हो प्रभु, हमारे चरवा को भी तेरे हाथ में मिलते प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु से तंदुरुस्त रख परमेश्वर, ओ तेरे उपस्थिति में रख परमेश्वर, ओ हर एक परमेश्वर हर एक प्रभु कमजोरी को हमेशा मसीह के नाम से धमका दे प्रभु, से बल दे प्रभु, तुझ सामर्थ्य भर दे परमेश्वर, हमारे हर एक भाई बहनों को नाला सुपारे हमारे जो भी परमेश्वर जो परमेश्वर इस बात को देखते हैं प्रभु विद्युत में प्रभु, हर एक को तेरे हाथ में देते प्रभु, तू छू ले परमेश्वर, और जो भी संदेश प्रभु आज लिया हमने अपने गर्भ में परमेश्वर वो जीवन दिखने दे परमेश्वर, क्योंकि शैतान प्रभु मुझसे नहीं प्रभु मेरे जीवन से डरता है, जो मसीह का जीवन मेरे अंदर है प्रभु, हाँ परमेश्वर वो हम नहीं जी सकते, मसीह हमारे अंदर जी सकता प्रभु, हम प्रार्थना करते वो नम्र बना परमेश्वर, हमें हर एक को नम्र व्यक्ति बना परमेश्वर, वो हम घटे तू बढ़े परमेश्वर, धन्यवाद करते फिर से एक बार समय के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से मांगते। Thank you.